नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। अभी तक आपने एक्टर्स और नेताओं के डीप फेक वीडियो के बारे में सुना होगा, लेकिन अब एआई इंडस्ट्री में नया कमाल हुआ है। तिरुवनंतपुरम में मातृभूमि इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान शशि थरूर का एआई वर्जन दिखाई दिया। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद भी हैं। अपनी हाजिर जवाबी और इंग्लिश के लिए फेमस कांग्रेस सांसद शशि थरूर का इंटरव्यू इस इवेंट में खुद उनका एआई अवतार ले रहा था। ये देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि एआई का असर हर जगह किस रफ्तार से बढ़ रहा है। कांग्रेस एमपी ने इस इंटरव्यू को एक्स पर भी शेयर किया है। थरूर ने लिखा कि उन्होंने अपने एआई जनरेटेड अवतार से बात की। लेफ्ट साइड का वर्जन वास्तव में डीप फेक था। थरूर ने आगे बताया कि उन्होंने एक रेगुलर इंटरव्यूअर के पूछे गए सवालों के जवाब पहले ही रिकॉर्ड किए थे। उन्होंने इस एक्सपीरियंस को काफी चौंकाने वाला बताया। ये तो हुई डीप फेक से बने शशि थरूर के एआई वर्जन की बात। अब आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य केरल में। यहाँ दिवंगत नेता एम करुणानिधि का एआई वर्जन तैयार किया गया। ऐसा किया गया बीते महीने यानी जनवरी 2024 में। तब एम करुणानिधि लार्ज प्रोजेक्टेड स्क्रीन पर ऑडियंस के सामने दिखाई दिए थे। करुणानिधि के एआई वर्जन ने 82 वर्षीय टीआर बालू की ऑटोबायोग्राफिकल बुक की लॉन्चिंग पर उन्हें बधाई दी थी। अपने ट्रेडमार्क धूप के काले चश्मे, सफेद शर्ट और कंधों पर पीले रंग का शॉल पहने करुणानिधि का स्टाइल एकदम लाजवाब था। अपने 8 मिनट के भाषण में एआई वर्जन ने लेखक को बधाई दी और एम के स्टालिन की लीडरशिप की भी सराहना की। स्टालिन मौजूदा वक्त में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। वो करुणानिधि के बेटे हैं। साल 2018 में करुणानिधि का निधन हो गया था। पिछले 6 महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ जब डीएमके पार्टी के दिग्गज नेता को ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एआई का इस्तेमाल करके पुनर्जीवित किया गया। करुणानिधि का डीप फेक वीडियो बनाने वाली एआई मीडिया टेक फर्म म्यूनियम के संस्थापक सेंथिल नयागम ने अल जजीरा को बताया कि ऐसे डीप फेक के लिए एक नया मार्केट तैयार हो रहा है। आप किसी खास व्यक्ति से कुछ बयान दिलवा सकते हैं और इस तरह से इसे अधिक महत्व मिलता है। नयागम ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद डेटा का इस्तेमाल किया और स्पीच मॉडल को ट्रेनिंग दी। इससे वो 90 के दशक में दिखने वाले करुणानिधि की तस्वीर क्रिएट कर सके। एआई स्पीच के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट प्री रिकॉर्डेड थी। इसे एक डीएम के काडर ने ही लिखा था। बता दें कि करुणानिधि भारत में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि करुणानिधि के इस एआई वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए डीएमके अब 2024 के संसदीय चुनाव में भी एआई करुणानिधि को कैंपेन में शामिल करने पर विचार कर रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह हमारी जिंदगी में दाखिल हो रहा है, मैकफी की नई रिपोर्ट से इसका पता चला है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म ने एक सर्वे किया। इसमें सामने आया है कि वैलेंटाइन डे पर एआई अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि 56% लोग अपने लवर यानी प्रेमी को लव लेटर लिखने के लिए जेनेरिक एआई टूल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। स्टडी में यह भी सामने आया है कि 2/3 से ज्यादा एडल्ट यानी करीब 67% लोग एआई और इंसानों द्वारा लिखे गए लव लेटर में फर्क नहीं कर पाए। सभी फाइंडिंग्स मैकफी की नई रिसर्च रिपोर्ट में आई हैं। रिपोर्ट को नाम दिया गया है मॉडर्न लव। स्टडी का मकसद मॉडर्न एज में प्यार और रिश्तों को बदलने में एआई और इंटरनेट की भूमिका की खोज करना है। स्टडी में 7 देशों के 7,000 लोगों को शामिल किया गया। स्टडी में सामने आया कि 1/4 से ज्यादा लोग पहले से ही ओपन एआई के चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जैसे टूल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे, ताकि उन्हें अपने प्यार का इजहार करने में मदद मिल पाए। स्टडी के अनुसार लोग लव लेटर लिखने में एआई का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इससे वह लव लेटर में ज्यादा आत्मविश्वास से भरे नजर आएंगे। 21% लोगों का यह कहना था कि उनके पास लव लेटर लिखने के लिए टाइम की कमी है और अनुभव भी नहीं है। 10% लोगों ने कहा कि एआई का इस्तेमाल करने से उनका काम तेजी से हो जाएगा। सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों को यह नहीं लगा कि एआई का इस्तेमाल करके वो पकड़े जाएंगे। सर्वे का हिस्सा रहे 49% लोगों ने कहा कि अगर उन्हें एआई टूल से लिखा गया लव लेटर मिला तो वो नाराज हो जाएंगे। हालांकि 67% लोग इंसान और एआई द्वारा लिखे गए लव लेटर में फर्क नहीं कर पाए। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।